नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। हेल्थ सूत्र हमारी सीरीज है और आज फिर हम कुछ हेल्थ सूत्र के बारे में बात करेंगे। सूत्रबंध का मतलब है कि एक लाइन में पूरा हेल्थ का मैसेज मिल जाए और उस लाइन से आप कई सारी बीमारियों से बच सके अपने आप को। और अगर ऐसे कुछ सूत्र आप जान लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। मेरे साथ में है डॉक्टर रमेश दत्ता, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ में है डॉक्टर करवा और मेरे साथ में है डॉक्टर विनोद खेत्रपाल। डॉक्टर विनोद खेत्रपाल भी पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के हैं और डॉक्टर करवा पास्ट प्रेसिडेंट IMA रोहिणी के हैं। एक सूत्र डॉक्टर दत्ता की तरफ से। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 6 महीने तक जो नवजात शिशु है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है कि एक बच्चा जो पैदा होता है मदर को 1 घंटे के भीतर उसको अपना फीड स्टार्ट कर देना चाहिए और 6 महीने तक अपना ही फीड देना चाहिए। इसमें ना तो पानी देना चाहिए ना कि दूसरा फार्मूला फीड देनी चाहिए। इससे वो बच्चे की हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, वो हेल्दी रहेगा, वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में जो है दूध पिएगा और बीमारियों से बचा रहेगा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, ये सूत्र है। एक्सक्लूसिव, पानी भी नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि पानी तो अलाउड होगा, जूस भी नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st मंथ, और याद रखो स्टार्टिंग फ्रॉम 1st आवर। और अगर आपको पहले घंटे में दूध पिलाना है तो आपको उसके फादर को लेबर रूम में रखना होगा ताकि वो उसकी जिम्मेदारी दो, क्योंकि मदर बिजी है, डॉक्टर्स बिजी है, नर्सेस बिजी है। इसलिए हम कहते हैं कि 8वें महीने में पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व करो और फादर को लेबर रूम में रखो। डॉक्टर करवा। मैं डॉक्टर RK करवा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो एडवाइज करते हैं कि हमें टेस्ट करवाने हैं जो आपको कहते हैं कि ये फास्टिंग करवाने हैं, तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं ले पाते। फास्टिंग का मतलब है आप पानी ले सकते हैं लेकिन कोई एनर्जिक ड्रिंक या एनर्जिक चीज़ें नहीं ले सकते जो कि टेस्ट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जब भी आप टेस्टिंग के लिए जाते हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसमें फास्टिंग पानी आप ले सकते हैं, पानी के अलावा कोई भी एनर्जिक फूड या एनर्जिक ड्रिंक आप नहीं ले सकते। उसमें रिपोर्टें बहुत प्रॉपर आएगी, उसमें जो भी रिजल्ट आएंगे वो ठीक आएंगे। तो आपके कर्मा जी ने कहा कि फास्टिंग का मतलब है कि कैलोरिक फूड नहीं लेना, कैलोरिक पानी नहीं लेना, लेकिन आप सिंपल पानी जिसमें 0 कैलोरीज होती हैं वो ले सकते हैं। अगर किसी ने कहा है 8 बजे आपका टेस्ट करेंगे तो सवेरे उठ के आप पानी, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, आप ले सकते हैं। कोई सारे लोग कहते हैं कि हमारे को बिना सवेरे चाय पिए मोशन नहीं होता, हम टेस्ट के लिए 8 घंटे तक सवेरे 8 बजे तक कैसे बिना चाय के रहें, तो आप गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी, हल्का हल्का गर्म पानी पिएंगे तो आपको वही असर करेगा तो चाय का करता है। तो याद रखिए, खाली पेट का मतलब ये नहीं कुछ नहीं, आप नो कैलोरिक फूड ले सकते हैं। डॉक्टर विनोद खेत्रपाल। मैं डॉक्टर विनोद खेत्रपाल, पास्ट प्रेसिडेंट DMA जॉइंट सिटी IMA हेडक्वार्टर्स। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर आपको नई बीमारी शुरू होती है आपको क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी आपको अनएक्सप्लेन सिम्टम है, कोई भी आपको अनएक्सप्लेन आपका एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हैं, कुछ हो रहा है आपको, कोई आपको अनएक्सप्लेन हेडेक हो रहा है, अनएक्सप्लेन कोई और भी चीज़ हो रही है, कभी कोई सांस फूल रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए आपको तुरंत आपको विचार आपके मन में विचार आना चाहिए कि आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहा है, शरीर में कोई बीमारी पैदा हो रही है। तो जो भी कोई अनएक्सप्लेन बात होती है उसका हमें पूरा ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना और उसको हमने पूरा फॉलो करना है ताकि बीमारी जल्दी पकड़ में आ सके और उसका प्रॉपर इलाज हो सके। धन्यवाद। तो अगर मेरे को डॉक्टर विनोद खेत्रपाल ने कहा अनएक्सप्लेन्ड अनयूजुअल भी हो सकती है, फर्स्ट टाइम भी हो सकती है। आप बोलते मेरे को रोज हेडेक होता है लेकिन आज का हेडेक डिफरेंट है, आज मैं दौड़ के आया और मुझे सांस फूल गया। आप बोलते हो सकता है दौड़ने से फूल गया हो, लेकिन अगर आप बोले मैं तो दौड़ा ही नहीं, मैं तो 4 घंटे से आराम कर रहा हूँ, मेरा सांस फूल गया, अनयूजुअल है। आप कहते हो मैंने केला खाया उल्टी हो गई, तो आप बोलोगे कि हो सकता है कि भाई केला खाने से हो गई हो,
केले में खराबी हो, लेकिन अगर आप बोले मैं तो सवेरे उठा 8 घंटे सोने के बाद में और मेरे को तो सवेरे उठते ही उल्टी हो गई, अनयूजुअल, कांट बी एक्सप्लेन्ड, अनयूजुअल, अनएक्सप्लेन्ड, पहली बार हो रहा है मेरे को, रोज नहीं होता, डॉक्टर के पास इमीडिएटली फोन करो। तो डॉक्टर को कब फोन करना, या कोई भी चीज अनयूजुअल है, अनएक्सप्लेन है, या जिंदगी में पहली बार है, आपको समझ में नहीं आ रही, इमीडिएटली कॉल योर डॉक्टर। लेकिन हाँ, जो चीज बार बार होती है, अगर वो फिर हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस सिचुएशन में आप टाइम बाय कर सकते हो। मेरा लास्ट का यही मैसेज को मैं बता रहा हूँ, रात के 3 बजे आप उठ जाते हैं एसिडिटी से, रात के 3 बजे आप उठ जाते हैं सांस फूलने से, रात के 3 बजे आप उठ जाते हैं जलन से छाती के अंदर में, पहली बार हो रहा है, इग्नोर ना करें, ये हार्ट अटैक हो सकता है। आप क्या बोलते हैं कि डॉक्टर को क्या तंग करना, बीवी को क्यों जगाऊं, डॉक्टर को रात को 3 बजे क्यों जगाऊं, सवेरे 6 बजे बात कर लेंगे ना, हो सकता है 6 बजे जब बीवी उठे तो आप सोए, परमानेंटली सोए हुए मिले। इसलिए कभी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। ये थे आज के सूत्र डॉक्टर केतरपाल, डॉक्टर करवा, डॉक्टर दत्ता के मुंह से। फिर मुलाकात होगी और कुछ सूत्रों के साथ में। धन्यवाद।